तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने पीछे। दोस्तों मैं भी एकदम मस्त। आगे फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, निशु ब्लॉग उत्तराखंडी। तो देख सकते हैं आज सुबह सुबह के 7 बजे हैं और मैंने नहा धो लिया है और धूप भी बस आने ही वाली है। तो आज सुबह सुबह इसने नहा रखा है कि आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो ये देख सकते हैं धूप भी आ गई है, तो मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो ना मैंने अभी पूजा पाठ नहीं की है, फिलहाल मम्मी अंदर लीप रही है, मतलब मंदिर लीप रही है, तो उसके बाद करती हूँ। मैंने तो चुनरी वगैरह फोटो वगैरह सब धो ली है, तो मम्मी लीप रही है, तो मैं अभी पूजा पाठ करूँगी। तो आज तो वैसे सबका है ही फास्ट, मम्मी लोगों का 3-3 दिन है और मेरा पूरा 9 दिन है। तो और दीदी का पता नहीं, दीदी का है नहीं है, बट मम्मी का 3 दिन है और मेरा पूरा 9 दिन है, क्योंकि मैं 9 दिन ही रखती हूँ। तो आई होप आपने आपके भी होंगे। तो दोस्तों मैंने पूजा पाठ भी कर ली है, तो आज तो भूख भी नहीं लग रही है ना, तो और टाइम तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, बट आज नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि फास्ट में ऐसी होता है मेरे को भूख भूख नहीं लगती। तो भूख भी मेरे को इसलिए लगती है ना, क्योंकि मैं मतलब जब खाती हूँ ना, चपड़ चपड़ खाते रहती हूँ, तो उसके बाद लग जाती है, बट फास्ट में बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि बस फास्ट में पानी वगैरह वही, तो फल फ्रूट जो भी है वही खा लेती हूँ। होंगे तो बट इस बार तो है नहीं, बट मम्मी से बोलूँगी कहीं से मंगवा दे। तो दोस्तों हम ये सोच रहे हैं दीदी और मैं कि इस नवरात्रि पर कुछ मंगाया जाए अपने लिए, मतलब ऐसी खाली मस्ती में। तो हम पहले से ही सोच रहे थे कि कुछ मंगाए, तो हम मंगा रहे साड़ी, मम्मी मैं और मेरी बड़ी वाली दीदी। तो छोटी वाली दीदी के लिए भी मंगा रहे, तो वो नहीं बोल रहे, मना कर दिए। तो हम तीनों के लिए साड़ी मंगा रहे हैं एक एक। तो मैं आपको दिखाऊंगी कलेक्शन कैसा है, तो आप बताना कैसे है, फिर मंगाते हैं हम। मैं आपको दिखा दूंगी कि किस टाइप की है साड़ी, तो प्राइस भी कम ही है, मीशो से मंगा रहे, क्योंकि उसमें तो पता ही आपको कैसे होते हैं। तो किसी किसी में कपड़ा सही आता है, जो जितने भी कपड़े आज तक मैंने मंगाए हैं मीशो से, तो सब अच्छा ही आए हैं। तो इस बार भी देखते हैं कैसा आता है। तो आई होप नाश्ता हो गया होगा। तो वैसे मेरा तो फास्ट है, कहाँ नाश्ता, तो घर वालों का जिसका फास्ट नहीं उसने उन्होंने कर लिया है नाश्ता। तो आई होप आपका भी हो गया होगा। तो ये रहा हमारा मंदिर, तो मम्मी ने मंदिर के सारे एक साथ रख दिए, मतलब जो भी है। तो मैं खा रही हूँ दही, क्योंकि मम्मी ने दही रखी है मेरे लिए, फास्ट में खाते ही है दही। फिर उसके बाद थोड़ा घर का ही काम है। अब तो हमने घास वगैरह तो सब काट ही लिया है, थोड़ा बहुत बच्चा है, तो अभी वो मतलब गायों के लिए रखते हैं हरी घास। तो दोस्तों आई होप खाना हो गया होगा। तो मैं तो बैठी हूँ फिलहाल, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा काम वाम करके। तो अब बर्तन वर्तन भी साफ करने हैं थोड़े से, क्योंकि मैं ही करूँगी, दीदी लोग तो घास गए हैं, मतलब किसी और का काटने गए हैं। तो आज तो मैं और दिनों से भी अच्छी लग रही हूँ, मतलब खाना खा के भी मतलब थोड़ा मुझाई थी, बट आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, भूख भी नहीं लगी है। और मौसम पूरा चेंज हो गया है, बारिश वाला हो गया है फिर, तो पता नहीं किस किस का घास वगैरह भीगता है सब। ये देख सकते हैं कैसे काला काला पड़ गया है पूरे बादल, ऐसा हो गया है। तो दोस्तों अभी हम रोड में जा रहे हैं दुकान में, मतलब रात के लिए सब्जी वगैरह और फल फ्रूट लेने जा रहे हैं दिया और मैं, और दिया काफ़ी फास्ट है। ये रही दिया, काफ़ी टाइम बाद मेरे ब्लॉग में आ रही है, ये देख सकते हैं, और इसका भी 9 दिन फास्ट है। तो हालत तो ठीक ही है, अभी फिलहाल तो भूख नहीं लगी है, तो कल से देखते हैं क्या होता है भूख की वजह से। आज तो पहला दिन है, तो कुछ मतलब जैसे कि खाना खाया है वैसे ही लग रहा है। तो हम मौर्यूर आए हैं अभी, मक्खी दादा के यहाँ सामान वान लेना था थोड़ा यहाँ से, तो हम मौर्यूर आए, तो यहाँ से हमारा स्कूल भी नज़दीकी है। ये रहा हमारा स्कूल, तो मैं ऊपर नहीं जा रही अकेली हूँ, डर लगती है मेरे को, क्योंकि शाम के 5 बजे हैं। तो अब हम सामान वान पैक करके अब सीधे जा रहे हैं घर को, फिर मिलते हैं आपको मैं घर पर, अगर यहाँ से जाते जाते अंधेरा नहीं हुआ तो।